हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफर्टलेस इकोनॉमिक्स। सो हमने प्रीवियस वीडियो में शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स में हमने टोटल कॉस्ट कर्व्स एंड एवरेज कॉस्ट कर्व्स को कवर कर लिया था एंड आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है? तो मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली रेफर करती है कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया अगर हमने एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट की प्रोड्यूस करी तो, या हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन हुआ जब हमने एक और यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस किया तो। तो ये होता है मार्जिनल कॉस्ट। अब इसको हम और भी अच्छे से समझते हैं एक शेड्यूल के थ्रू। तो ये है मार्जिनल कॉस्ट का शेड्यूल। ये जो कॉलम है ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड आउटपुट जो है इंक्रीज होता जा रहा है 0 से 1, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके। एंड ये हमारा है टोटल कॉस्ट का कॉलम। एंड टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले बताया था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके। एंड ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कॉलम। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं तो वो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने मार्जिनल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करा। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे 125 में से 100 को माइनस करा तो ये आ गया हमारा 25। 145 में से 125 को माइनस करा तो ये 20। 160 में से 145 को माइनस करा तो ये 15। 180 में से 160 को माइनस करा तो 20। 206 में से 180 को माइनस करा तो 26। 236 में से 206 को माइनस किया तो 30। एंड 273 में से 236 को माइनस किया तो 37। अब हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन देखी थी हमने क्या बोला था, अगर हम एक और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे हमारी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आता है, कितना एडिशन आता है। तो पहले हमारी जो टोटल कॉस्ट थी वो 100 थी, जीरो जब हम जीरो यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे, बट जैसे ही हमने एक और एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया तो हमारी टोटल कॉस्ट में 25 का चेंज आया। इसलिए हम जो कर यानी हम 125 में से इसलिए हमने 100 माइनस किया है। एंड यहाँ पे हमको प्रीवियस वैल्यू नहीं पता थी इसलिए हमने यहाँ पे डैश लगा दिया है, या फिर एज इट इज़ 100 लिख देंगे। तो ये हमने किया कि आपको जो आफ्टर वाली वैल्यू है उसमें से आपको प्रीवियस वैल्यू माइनस करनी है, मतलब 125 में से 100 को करना है और फिर उसका यहाँ पे लिखना है रिजल्ट। ठीक है, 145 में से 125 को किया तो यहाँ पे रिजल्ट लिखूँगी। तो ऐसे हमने मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करा। तो अब हम देखते हैं हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। वाई एक्सिस जो है वो कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सिस आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है एंड ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। अब यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो यू शेप में, मतलब हमारा जो पहले मार्जिनल कॉस्ट कर्व है सबसे पहले वो फॉल कर रहा है एक मिनिमम लेवल तक, दिस इज़ द मिनिमम लेवल, उसके बाद वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए यू शेप में। अब यू शेप में होने का रीज़न क्या है कि जब वो फॉल करता है तो उसके ऊपर इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेट करता है एंड जब वो इंक्रीज होता है तब उसके ऊपर डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट करता है। एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। एंड या फिर हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग रिटर्न्स की जगह कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है इसके ऊपर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ऑपरेट करता है, इसलिए जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो यू शेप में है। So I think it is clear to you that why the marginal cost curve is in U shape. So ये था हमारा marginal cost का curve and ये था हमारा marginal cost का schedule. अब हम देखते हैं marginal cost और average cost के बीच में relationship क्या होती है। ये है हमारा marginal cost curve and this one is our average cost curve. And y axis cost को represent कर रही है and x axis output को represent कर रही है। अब जो relationship है marginal cost और average cost के बीच में वो हम पहले इस diagram के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पे ये है हमारा AC मतलब that is average cost and ये है MC that is marginal cost. अब जब marginal कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट के ऊपर होता है तो हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो भी क्या करता है, राइज करता है, वो भी इंक्रीज होता है। अब जब मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट के नीचे होता है तब हमारा एवरेज कॉस्ट क्या होता है, वो भी डिक्लाइन होता है, वो भी डिमिनिश होता है। एंड जब हमारा एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे होता है तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है। अब हम यही तीनों पॉइंट्स जो है इस डायग्राम में इस कर्व्स में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है ना, ये एवरेज कॉस्ट के नीचे है। ये देखो ये मार्जिनल कॉस्ट जो है
ये एवरेज कॉस्ट के जो है नीचे है, तो हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या कर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट के नीचे है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन हो रहा है। फिर अब देखते हैं हम, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट के ऊपर है, ये एवरेज मार्जिनल कॉस्ट है एंड ये एवरेज कॉस्ट के जो है ऊपर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो एवरेज कॉस्ट हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है, वो भी राइज हो रहा है। एंड यहाँ पे हमारा जो क्यू पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे है, तो यहाँ पे जो मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट है वो दोनों इक्वल है एक ही पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है। तो ये तो था, ये कर्व्स के थ्रू हमने देखा कि रिलेशनशिप क्या है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में। सो ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी कंप्लीट। सो गाइस आई वांट टू टेल यू समथिंग, अगर आपको पीडीएफ चाहिए ऑन द एंटायर टॉपिक ऑफ कॉस्ट, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू। एंड या आई विल बी बैक विथ माई न्यू वीडियो वेरी सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Do like, share my video and subscribe to my YouTube channel. And yeah, don't forget to hit the bell icon.